खबर तो प्रदेश के बहराइच जिले से है, जहां पर कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग मोतीपुर रेंज अंतर्गत मौजा चंदनपुर के ग्राम खाले बलैया में बीते 30 जुलाई 2021 को तेंदुए द्वारा अचानक हमला कर 6 वर्षीय अभिनंदन पुत्र राम मनोरथ को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके इलाज के लिए जब उसे ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। वन विभाग द्वारा तेंदुए के मूवमेंट का पता लगाते हुए घटना के तुरंत बाद ही ग्राम खाले बढ़िया में 31 जुलाई 2021 को तेंदुए को पकड़ने के लिए पिजड़ा, जिसे ट्रैपिंग केज कहा जाता है, उसे लगाया गया। उक्त घटना के 2 दिवस पश्चात यानी कि 2 दिन बाद ही 1 अगस्त 2021 को मौजा चंदनपुर के ग्राम कलंदरपुर निवासी देवता दीन की 6 वर्षीय पुत्री अंशिका को रात लगभग 8 बजे घर के आंगन से तेंदुआ उठा ले गया, जिसका छत विछत सौ जिसमें मात्र खोपड़ी ही शेष मिली थी। अगले दिन 2 अगस्त को प्रातः 8:45 पर काफी खोजबीन के बाद घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में पाया गया। 2 दिन के अंतराल में एक ही मौजे में 2 घटनाएं घटित होने से उच्चाधिकारियों से पुनः अनुमति प्राप्त कर तेंदुए को पकड़ने के लिए ग्राम कलंदरपुर में एक और पिंजड़ा लगाया गया था। कलंदरपुर में लगे पिंजड़े में 2 अगस्त 2021 की रात लगभग 1 बजे तेंदुआ कैद हो गया। पकड़े गए तेंदुआ को विभागीय पशु चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें उनके द्वारा उक्त पकड़े गए तेंदुआ के मादा होने की पुष्टि की गई तथा उसकी उम्र लगभग 2 से 2.5 वर्ष के बीच बताई गई है और यह भी बताया गया है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पकड़ा गया तेंदुआ पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार स्वस्थ है तथा प्राकृतिक वास में छोड़े जाने योग्य है। पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद तेंदुआ को कतरनिया घाट रेंज के ट्रांस गेरुआ क्षेत्र में छोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। 30 तारीख की रात को एक 7 वर्षीय बच्चे अभिनंदन को तेंदुआ ने अटैक किया था और हॉस्पिटल जाते हुए अनफॉर्चुनेटली उसे डेथ हो गई थी। उसी के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए हमने एक पिंजरा लगा दिया था, उसे देखने से परमिशन लिखी थी और बाकी सारा जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है NTCA का और भारत सरकार की आप हमने वो भी सब लागू करा दिया हुआ था। लगातार मौके पे 1-9 से 10 स्टाफ की बकरी यहाँ पे गश्त भी करी थी 24 घंटे लोगों को सेंसिटाइज। गश्त को शाम के टाइम जैसे ही अंधेरा हुआ वहाँ पे फिर एक अंशिका नाम की बच्ची को लेपर्ड ने उठा लिया और उस बच्ची की अगले दिन जब सर्च और कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ तो बच्ची की सिर्फ हेड मिला है और इसके बाद हमने तत्काल प्रभाव से दूसरा पिंजरा भी लगा दिया और 3 तारीख की सुबह 1 बजे के आसपास हम उसे कैप्चर कर लिया गया है। ये 2 से 2.5 वर्ष का मादा तेंदुआ है जो काफ़ी हेल्दी हालत में है। इसे अब उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के क्रम में ट्रांस गेरुआ जहाँ पे आबादी का क्षेत्र बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे इसको रिलीज किया जाएगा। CIBC इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।